चलो देखो एक बार ये वाला पॉइंट फिर से। अभी बच्चे और भी भयानक कंफ्यूज है अभी भी, और पहले वाले डायग्राम में एक छोटा सा बस एक वर्ड मिस्टेक हुआ है, बोला सही गया है लिखने में थोड़ा मिस्टेक हुआ होगा। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं सर पीएसके जब इनहिबिट होता है तो पीएसके बाइंड करता है, पहली बात एंजाइम एंजाइम के साथ बाइंड नहीं करता है, पहली बात। ठीक है, ये इसका कहना है कि पीएफके बाइंड करता है, पीएफके बाइंड करता है। अरे पीएफके क्या बाइंड करेगा, सबस्ट्रेट बाइंड करता है एंजाइम के साथ। पहले बोल तो लो सही से, पहले बोल तो लो सही से, पीएफके बाइंड नहीं करता है, सबस्ट्रेट बाइंड करता है एंजाइम के साथ, पहली बात। दूसरी बात कि बच्चे का डाउट अभी क्या बना कि यहाँ पे चूंकि स्पेलिंग मिस्टेक से लिखा है फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, 1,6 नहीं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, तब ना फॉस्फोराइलेशन कराएगा पीएफके उसका। तो इसका जो मेन सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है जिसको एक्टिव साइट कहते हैं, वहां पे देखो ये बाइंड कर रहा है कौन, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और एट अ टाइम वहां पे बाइंड किया एटीपी। ठीक है, तो फिर ये एटीपी अपना फॉस्फेट इसको दे देगा, तो ये बन के क्या निकलेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, तो एटीपी बन के क्या निकलेगा एडीपी। ये नॉर्मल रिएक्शन होता है, बस यही समझाए थे। और यहाँ पे स्टाइलोस्टेरिक साइट होता है, जब एटीपी का कंसंट्रेशन अधिक हो जाता है तो यही एटीपी यहाँ जाके बाइंड करने लगता है, क्योंकि एक्सेस एटीपी है ना, नया एटीपी मॉलिक्यूल एक्सेस एटीपी यहाँ पे बाइंड करने लगेगा। और फिर जो पूरा कहानी बताए वो जान ही रहे हो, ये एटीपी यहाँ बाइंड करने लगेगा तो ये रिएक्शन रुक जाएगा, तो ये वाला रिएक्शन भी रुक जाएगा। तो अब क्या होगा, सेल में एटीपी का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो एटीपी एक्सेस यूटिलाइज होने लगेगा, जो एक्सेस में बनाया सेल के द्वारा, तो एटीपी यूटिलाइज होने लगेगा तो एडीपी का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा, एएमपी का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा, टाइप दो दो को फॉस्फेट छीन लिया जाए एनर्जी पर्पज के लिए, कई जगह छीना जाता है ऐसा, एएमपी भी होता है। तो ये फाइनली क्या होगा, एडीपी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तब सेल में एटीपी का कंसंट्रेशन घट जाएगा, तो यहाँ पे जो बाइंड हुआ है वो यहाँ से डिटैच होगा, यहाँ से डिटैच होगा तो यहीं के लिए जाएगा, जब यहाँ के लिए जाएगा तो कुल मिला के स्टेप फिर से चालू हो जाएगा, ये बनेगा, ये अगर स्कैटरिंग पाथवे में जाके फिर एटीपी का कंसंट्रेशन बराबर आके नॉर्मल कर देगा, ये हमने सिखाया है। इस तरीके से इसका फ्रक्टोज सॉरी ये फॉस्फेट फ्रक्टोज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज का इस तरीके से रिवर्सिबल इनहिबिशन होता है, ये फीडबैक इनहिबिशन नहीं है क्योंकि इसका इमीडिएट प्रोडक्ट इसको इनहिबिट नहीं किया, ऐसे ज्यादा नहीं बताऊंगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, अब आज हमारा जो स्टेप है मतलब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है, रिकॉर्डिंग चालू है ना, हाँ चलो, आज हमारा टॉपिक है एरोबिक रेस्पिरेशन। और ध्यान से सुनते चलिएगा एक एक स्टेप, जैसे आपको ग्लाइकोलाइसिस आसान लगा होगा क्रेब्स साइकिल भी आसान लगेगा। देखिए होता क्या है ना, आप एक वर्ड को अगर पकड़ के बैठ जाएंगे ना तो यकीन मानिए आप जीवन में बहुत बड़े बड़ी गलती करेंगे। आप एक वर्ड को पकड़ के बैठिए मत, लेकिन सुनिए हर एक वर्ड को भाई, एक वर्ड का मतलब कई मतलब होता है, आपको उस वर्ड का मतलब उस जगह क्या बताया गया आप ये भूल जाते हैं, और फिर आप लगे उस वर्ड को घिसने लगते हैं कि ये क्या बोला गया उस वर्ड के बारे में, ये पूरा सुनिए। आप सिर्फ एरोबिक वर्ड को लेके घिसने लगेंगे तो कुछ नहीं होगा, आपको बोलना पड़ेगा एरोबिक रेस्पिरेशन, फिर उसका मतलब निकल के आएगा सामने। और वर्ड को लेकर घिसने लगेंगे, एरोबिक तो है ना, एरोबिक तो है ना, ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक, ऐसा नहीं होता। एरोबिक वर्ड का मतलब कई मतलब होता है, उसके रेस्पेक्ट में बोला गया है रेस्पिरेशन के रेस्पेक्ट। इसलिए आपको वर्ड को सुनना जरूर है कि एक वर्ड को, और उसका मीनिंग भी सुनना है कि वहां पर किस संदर्भ में बोला गया है। मैं बात करता हूं कि ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों में बनेगा और फाइनली प्रोडक्ट बनेगा पाइरूविक एसिड। एटीपी भी बनता है, एटीपी चला जाता है अपना कहीं ना कहीं काम में यूटिलाइज होने, एनएडीएसटू जो बना एनएडीएसटू ईटीएस में चल जाएगा, वो भी एटीपी ही देगा, कैसे देगा हम लोग देखेंगे आगे। अभी हम बताए थे कि इस पाइरूविक एसिड का फ्यूचर डिसाइड करेगा O2, यदि O2 है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, और यदि O2 नहीं है तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। मतलब अगर आगे O2 की अवेलेबिलिटी है तो इस पाइरूविक एसिड का तीन अलग अलग स्टेप में लिंक रिएक्शन क्रेव्स साइकिल ईटीएस चलाकर इस पाइरूविक एसिड का फाइनली कंप्लीट ब्रेकडाउन कर दिया जाएगा अगर O2 है, नहीं है तो पाइरूविक एसिड इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन में घुसेगा, आगे ग्लाइकोलाइसिस तो हो चुका है, पाइरूविक एसिड बना, आगे फर्मेंटेशन होगा, वो कैसे होगा वो हम पढ़ेंगे आगे। तो फाइनली ये है, अभी हम मान के चलते हैं कि O2 की अवेलेबिलिटी है और इसका मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये पाइरूविक एसिड कैसे जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन में, वो सभी बातें हम देखें। उससे पहले ये देख लेते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो देखिए अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की हम बात करेंगे तो इसमें तीन स्टेप होता है, क्या, पहला लिंक रिएक्शन,
दूसरा क्रेब साइकिल और तीसरा ईटीएस। जब हम ये बात बोलेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में तीन स्टेप होता है तो बच्चा भयानक डाउट लेके आएगा, सर एरोबिक रेस्पिरेशन में चार स्टेप होता है, कह रहे इस तीनों के पहले ग्लाइकोलिसिस होता है, ये डाउट सही। तो इसलिए आप क्या बोलेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में तीन स्टेप होता है आफ्टर ग्लाइकोलिसिस, ये मोर करेक्ट वर्ड है। अदरवाइज कई जगह आपको लिखे मिलेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में तीन स्टेप होता है लिंग रिएक्शन क्रेब्स एंड लीटियस, क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है, वो हायर बुक आप पढ़ रहे हैं, अच्छी बुक पढ़ रहे हैं इसका मतलब वो अंडरस्टूड है एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है, ग्लाइकोलिसिस हो ही चुका होगा, बिना ग्लाइकोलिसिस हुए तो एरोबिक रेस्पिरेशन चल ही नहीं सकता आगे। लेकिन आप अगर मोर क्लियरिटी के साथ बोलना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन में तीन स्टेप होता है आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस, और उसमें से पहला क्या होता है लिंक रिएक्शन, दूसरा क्या होता है क्रेब्स साइकिल, और उसमें तीसरा क्या होता है ईटीएस। और ये कोई सीक्वेंस में नहीं होता, ईटीएस हमेशा चलता है, जो ग्लाइकोलाइसिस है वो भी एनर्जी से जा रहा है, लिंक रिएक्शन से बना वो निकल गया जिसमें चला गया, ऐसा नहीं है कि क्रेब्स साइकिल होगा तभी ईटीएस स्टार्ट होगा, वो हमेशा चल रहा है, आप सीक्वेंस में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो कि तीन स्टेप होता है, दूसरी बात कि एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट क्या है, जगह कहाँ है, कहाँ हो रहा है। तो देखो भाई साइट में हम अलग अलग साइट बताएंगे, यूकेरियोट्स के अंदर अलग बताएंगे और प्रोकेरियोट्स के अंदर अलग बताएंगे। अगर हम यूकेरियोट्स की बात करें तो याद कीजिए मैंने लिंक रिएक्शन के लिए बताया है कि यूकेरियोट्स के अंदर लिंक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, और क्रेब्स साइकिल भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, क्रेब्स साइकिल भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, और यूकेरियोट्स के अंदर ईटीएस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। अच्छा एक मिनट, छोटा सा आपको हम शॉर्ट सा डायग्राम बना के दिखाते हैं, ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, आपसे सेल पढ़ाएंगे कुछ दिन में स्टार्ट करेंगे, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, OMM लिखते हैं, ठीक है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है इस टाइप का, ठीक है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये इसको बोलते हैं, इन दोनों के बीच में स्पेस, उसको बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और जो अंदर में ये है ना ये, इसी को कहते हैं मैट्रिक्स। तो अब क्लियर बार बार की मैट्रिक्स क्या होता है, मतलब मैट्रिक्स ये है, दिस वन इज मैट्रिक्स, दिस वन इज पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, एंड दिस वन इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दिस वन इज आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया में भी पढ़ाएंगे, कुछ दिन में सेल पढ़ाने वाले हैं उसको पढ़ाएंगे, ठीक है, हाँ ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि इसके अंदर तो पता चल गया कि एरोबिक रेस्पिरेशन अलग अलग जगह पर होता है, फाइनली होता सब कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में ही, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रहा है लिंक रिएक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रहा है क्लेव साइकिल, और ईटीएस हो रहा है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जबकि ग्लाइकोलाइसिस कहां हुआ था, साइटोप्लाज्म। अब आप बोलेंगे सर ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है, कहां है उसका एक पाथवे है ना, स्टार्टिंग पाथवे वही है, लेकिन वो कहां हुआ, साइटोप्लाज्म। इसका मतलब जो पाइरुविक एसिड बना होगा वो एंटर किया होगा कहां, माइटोकॉन्ड्रिया में, पहले आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस किया होगा, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस को क्रॉस किया होगा, देन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके मैट्रिक्स में आया होगा, और वहां पे चल रहा होगा सब कुछ क्या, लिंक रिएक्शन क्रेब्स साइकिल, देन वहां से जो रिड्यूसिंग पावर बनेगा वो फिर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर चला जाएगा। तो ये काम होता है पाइरुविक एसिड बनने के बाद, जो भी पाइरुविक एसिड बने उसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुसाना, अगर उसका एरोबिक रेस्पिरेशन कराना है तो। और अगर प्रोकैरियोट है तो बताइए क्या प्रोकैरियोट में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, आप बताइए प्रोकैरियोट में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, किसमें होता है, प्रोकैरियोट में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, किसमें होता है, मैंने ये पूछा, अरे क्या सोच रहे हो, मोनेरा नहीं पड़ेगा, केवल साइनोबैक्टीरिया में होता है, अरे जितने भी एरोबिक प्रोकैरियोट हैं यार, बहुत सारे एरोबिक प्रोकैरियोट हैं जिनको जो मोनेरा भी नहीं पढ़े हमसे पढ़ाएंगे उनको, प्लांट डाइवर्सिटी हमारा आधा समाप्त हो चुका है, बीच में होल्ड हो गया था मोनेरा के बाद, ठीक है, हाँ वो तो कंटिन्यू करेंगे तो आप लोग को भी जोड़ेंगे फिर। तो एरोबिक प्रोकैरियोट जितने भी हैं जो ओटो को यूटिलाइज करके रेस्पिरेशन करते हैं, बहुत सारे हैं यार, एक नहीं बहुत सारे हैं, सिर्फ साइनोबैक्टीरिया नहीं है, तो उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होता, ग्लाइकोलाइसिस तो उनके अंदर भी साइटोप्लाज्म में चल गया, समझ में आ गया, साइटोसोल में, यही राम जवाब नहीं दे पा रहा था आज भाई मैम, साइटोसोल, साइटोसोल को ग्लिसरोल कह रहा था वहां से, साइटोसोल में होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस समझ में आ गया दोनों जगह जगह साइटोसोल, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया तो उसके अंदर नहीं है, तो कहाँ होगा, तो उसके अंदर लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल साइटोप्लाज्म में ही हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में ही हो जाएगा, फंसता है ईटीएस, ईटीएस कहाँ होगा, तो देखिए
पीटीएस किसी न किसी मेम्ब्रेन पर लगा रहता है क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैरियर, वही एक दूसरे को फेंकते हैं तब जाके क्या होता है ईटीएस का फ्लो होता पढ़ाएंगे आप लोग। तो यूकेरियोट में तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे काम होता है, तो वहां तो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं तो वहां पे कैसे होगा। तो देखिए वहां जो बैक्टीरिया ना मान लो यार, तो उसकी जो मेम्ब्रेन है ना वो अंदर की तरफ ऐसे ऐसे इनफोल्डिंग शो करती है, सेल मेम्ब्रेन है, और इस इनफोल्डिंग को कहते हैं मीजोसोम। याद रख लिए वर्ड, खूब आता है एग्जाम में। इस मीजोसोम पर होता है क्या ईटीएस। कई सारे लोग ये कहते हैं कि इस प्रोकैरियोट में मीजोसोम पर ये भी होता है क्रेब्स साइकिल, और ये बात फिर आप अगर यहां ऐसा करें कि मीजोसोम पर ये होता है, फिर आप यहां पे भी बोलेगा कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे क्रेब्स साइकिल का एक पर्टिकुलर स्टेप होना पड़ता है। अब ये ऐसा क्यों बोले हैं ये आप होल्ड कीजिए, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली क्या एक स्टेप क्रेब्स साइकिल का इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर कराना पड़ता है, बाकी पूरा ईटीएस चलता है। ऐसे कैसे, अगर मीजोसोम पर ही पूरा इलेक्ट्रॉन कैरियर वगैरह लगे हुए हैं तो पूरा ईटीएस चलेगा यहाँ पर ईटीएस, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का एक स्टेप चलेगा इस मीजोसोम के मेम्ब्रेन पर जो बैंडेड है, एक एंजाइम है, इसलिए ऐसा होना पड़ता है। ठीक है, तो कुल मिला के कहानी ये है कि ये साइट खूब एग्जाम में पूछे जाते हैं और कल वाइवा में भी पूछे जाते हैं। क्लियर है, बढ़िया आगे। यस सर। तो अब हम जो आगे पढ़ते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं पता है क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन इन यूकेरियोट्स। पता है क्यों, आप देखिए सारा खेल वो माइटोकॉन्ड्रिया को लेके खेला है एनसीईआरटी ने, तो अब जाहिर सी बात है यार वो माइटोकॉन्ड्रिया को लेके खेला तो ये थोड़ी बोलेगा एडिंग डाल के कि हम एरोबिक रेस्पिरेशन यूकेरियोट्स में पढ़ा रहे हैं आपको, माइटोकॉन्ड्रिया मतलब यूकेरियोट है। हाँ लेकिन ये बात है माइटोकॉन्ड्रिया जैसे यूकेरियोट में चल रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट, वैसे लगभग प्रोकैरियोट में भी चलता है, लेकिन प्रोकैरियोट में थोड़ा डिफरेंसेस होता है, वो आपके लेवल पे सिलेबस में नहीं है, किसी काम का नहीं है। तो हम आपके साथ यूकेरियोट का एरोबिक रेस्पिरेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। और उसमें पहला स्टेप हमारा क्या, लिंक रिएक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं लिंक रिएक्शन। पहला स्टेप लिंक रिएक्शन। तो लिंक रिएक्शन से सबसे पहला सवाल जो आता है रिलेटेड, क्या लिंक रिएक्शन कहाँ चलता है। बस अभी आपने देखा कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। प्रोकैरियोट पूछ जाएगा तो साइटोप्लाज्म में, तो चलिए हम यूकेरियोट का पढ़ रहे हैं तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चलता है। तो आप बताइए लिंक रिएक्शन का सबस्ट्रेट क्या होगा, पाइरुविक एसिड। जो पाइरुविक एसिड बना था कहाँ, ग्लाइकोलाइसिस में, वही सबस्ट्रेट है किसका, लिंक रिएक्शन का। और यहाँ पर पाइरुविक एसिड का क्या होगा मैं आपको बताना चाहूंगा, पाइरुविक एसिड पे धांसु एंजाइम आके गिरेगा और फिर बताते हैं इसका क्या होगा। फाइनली ये पाइरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल को एंजाइम ए में, और वो धांसु एंजाइम कौन है मैं बताता हूँ आपको, और उससे एग्जाम में हर अल्टरनेट ईयर में क्वेश्चन आता है, इतना इंपॉर्टेंट है। उस एंजाइम का नाम है पाइरुवेट डी हाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, एक इस एंजाइम का नाम है पूरा पाइरुवेट डी हाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। आज के बाद आपके दिमाग में जब भी शब्द पड़ेगा पाइरुवेट डी हाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। अच्छा एक मिनट, पहले मैं एक बात क्लियर करता हूँ, मैं ये बच्चों के बीच में सुना हूँ, और एक बच्चे नहीं कम से कम मैंने ऐसे 50 बच्चों से उसे सुना हूँ कि वो इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं, सर ये सब एरोबिक रेस्पिरेशन किसमें पढ़ रहे हैं, आप तो बता दिए यूकेरियोट एनिमल में पढ़ना है कि प्लांट में पढ़ना है, जैसे प्लांट में होता है ऐसे एनिमल में होता है। अरे माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही के पास है, इस बात को लेके अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो आप पूछ लीजिए बेटे में, यार मैंने क्या लिखा, यूकेरियोट लिखा है, सारे यूकेरियोट, सिर्फ हम ही नहीं, सिर्फ प्लांट ही नहीं, जो भी यूकेरियोट है वो सब इसी तरीके से तोड़ रहा है। हाँ जिसको ज्यादा आईटीपी की जरूरत है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी ज्यादा होगा, ज्यादा चलता होगा, और भी उसको ज्यादा आईटीपी का डिमांड है, तो ठीक है। तो सभी के अंदर इतनी चल, ऐसा नहीं कि प्लांट के अंदर चल रहा है सिर्फ, या फिर सिर्फ अपने, सभी जो भी यूकेरियोट है सभी के अंदर, इवन ये चीज प्रोकैरियोट के अंदर भी चलता है, लेकिन साइट अलग अलग होता है। बात को लेकर अब कंफ्यूजन होगा, इस बात को लेकर अब कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि आप नहीं, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, पढ़ लेते हैं पूरा समझ में आता है क्या पढ़ लिए, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे समझ में। हाँ तो ये पाइरुवेट डी हाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स आज के बाद आप जब भी सुनेंगे
तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि पाइरूवेट डिहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स लिंक रिएक्शन का इंजाइम करता क्या है, इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है। आइए एक एक करके हम पॉइंट डिस्कस करते हैं, इनकी चार बातें इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, पूरी बायोलॉजिकल वर्ल्ड का ये पाइरूवेट डिहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स एक ऐसा एंजाइम है जो हाइएस्ट मॉलिक्यूलर वेट रखता है। हाइएस्ट मॉलिक्यूलर वेट एंजाइम में भी बताए थे, हाइएस्ट मॉलिक्यूलर वेट इस एंजाइम का है, एंजाइम में बात करें तो। दूसरा, इस हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट का कारण ही बता रहे हैं, दूसरा पॉइंट वही है। एक्चुअली पाइरूवेट डिहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स इज कपल ऑफ टू एंजाइम, और वो टू एंजाइम को हमें पता है, कपल ऑफ डी कार्बोक्सिलेस एंड डिहाइड्रोजिनेस। तो आप बोलेंगे सर नाम में सिर्फ डिहाइड्रोजिनेस लिखना है, यस नाम में ये लिखते हैं, बाकी अगर पूरा नाम लिखना चाहेंगे तो आप लिखेंगे पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेस डी कार्बोक्सिलेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम। कॉम्प्लेक्स वर्ड लगा दिया ना, तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड आप अपने आप समझ जाइए कि इट इज एक्चुअली कपल ऑफ टू एंजाइम। अब बताइए दो एंजाइम मिलके एक कपल एंजाइम बनाया, तो जाहिर सी बात है कि उसका मॉलिक्यूलर वेट तो हाईएस्ट होगा ही होगा। तो एक कपल किसका है, डी कार्बोक्सिलेज और डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। तीसरा बात, ये एक कंजुगेटेड एंजाइम है, ये एग्जाम में खूब पूछा जाता है, और मैंने आपको सिखाया था कि जो भी कंजुगेटेड एंजाइम है उसमें दो पार्ट होता है, एक तो होता है एको एंजाइम और एक होता है को एंजाइम, याद आया। और को एंजाइम तीन प्रकार के हो सकते हैं, को फैक्टर, मेटालाइन और फॉस्फेटिक ग्रुप। इसमें जो को एंजाइम होता है, मैं आपको बता देना चाहूंगा, सॉरी को एंजाइम नहीं, को फैक्टर, सॉरी को फैक्टर और एको एंजाइम, ठीक है। तो इसमें जो को फैक्टर है, मैं आपको बता दूं, पांच को फैक्टर चाहिए होता है इस कंजुगेटेड एंजाइम को एक्टिव करने के लिए, पांच को फैक्टर। उस पांच को फैक्टर में एक तो होता है मेटालाइन, और चार होता है आपका को एंजाइम, और ये पूछा जाता है कि वो चार कोएंजाइम कौन और एक मेटालाइन कौन है। तो मेटालाइन मैग्नीशियम प्लस टू है, और वो चार को फैक्टर कौन है, तो चार को फैक्टर में एक को फैक्टर तो खुद कोएंजाइम ए है, एक एनएडी है, एक ये थायमीन, पता है ये थायमीन कहां से आता है, ये विटामिन बी वन का दूसरा नाम थायमीन, पाइरोफॉस्फेट पीपीपी है, और एक लिपोइक एसिड, इसको लिपोएट भी कहते हैं। एक दो तीन चार, ये चार तो क्या है, को एंजाइम को फैक्टर है, किसके, कंजुगेटेड एंजाइम, कौन सा कंजुगेटेड एंजाइम, पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, और एक मेटालाइन मैग्नीशियम प्लस टू, यानी कि इतना सब कुछ रहेगा तब जाके एंजाइम वर्क कर पाएगा। और वर्क क्या है, तो इस एंजाइम के नाम में आपको दिख रहा है कि इट इज कपल ऑफ टू एंजाइम, डी कार्बोक्सिलेस और डिहाइड्रोजनेस, यानी कि CO2 का भी रिमूवल होगा और हाइड्रोजन का भी रिमूवल होगा, मतलब ऑक्सीडेशन होगा, मतलब ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन होगा, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन होगा, क्योंकि नाम से पता चल रहा है कि डी कार्बोक्सिलेशन जब डी कार्बोक्सिलेशन करा देगा CO2 का रिमूवल, और डिहाइड्रोजन जो हाइड्रोजन का रिमूवल करा देगा, कपल ऑफ टू एंजाइम। तो अब इस दौरान आपने ही कहा कि ये पांच को फैक्टर चाहिए तभी जाके एंजाइम एक्टिव होगा, तो उस पांच को फैक्टर में सबसे पहले तो उसको को एंजाइम ए तो चाहिए तभी जाके एक्टिव हो पाएगा, मैग्नीशियम प्लस टू तो चाहिए तभी जाके कुछ हो पाएगा, और क्या चाहिए इसको, एनएडी चाहिए, अभी आपने कहा एनएडी चाहिए इसको, और क्या चाहिए इसको साथ में, तो साथ में इसको चाहिए टीपीपी, और साथ में इसको चाहिए लिपोइक एसिड एलए। तो ये पांच को फैक्टर चाहिए तभी पाइरूवेट डिहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स काम करेगा। अब इस दौरान होता क्या है, पता आपको ये दिख रहा है सिंगल स्टेप रिएक्शन, ये चार स्टेप में रिएक्शन होता है, आपको सिंगल स्टेप रिएक्शन दिख रहा है, और चार स्टेप में पता है कैसे होता है, एक एक करके सारे को फैक्टर, पहले तो सबसे पहले कोएंजाइम ए जुड़ जाता है, ठीक है, और मैग्नीशियम प्लस टू जुड़ जाता है, पहले मैग्नीशियम प्लस टू जुड़ता है, सॉरी सबसे पहले मैग्नीशियम प्लस टू जुड़ता है, तब जाके एंजाइम एक्टिव होता है, ठीक है। और अब को एंजाइम में जुड़ा, फिर जाके कुछ और, ऐसे करके एक एक करके जुड़ते जाते हैं, अलग अलग सिक्वेंस में अलग अलग को फैक्टर आके जुड़ते जाते हैं। तो चार को फैक्टर बचे ना, इसको छोड़ के मेटालाइन को छोड़ के, तो चार स्टेप में रिएक्शन होता है। आपके लिए फिलहाल इस लेवल पे ये काम का नहीं है कि चार स्टेप में पहुंच क्या क्या होता है, लेकिन ये काम का है कि पहले क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन जब लिखा है तो पहले क्या होता है, तो बताइए पहले आपको डी और ओ में पहले क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है और ओ बाद में दिख रहा है, यानी कि पहले क्या हो रहा होगा, डिकार्बोक्सिलेशन। आप बोलेंगे सर यदि हम इस ऑक्सीडेटिव को लिख दे डी हाइड्रोजिनेशन, तो कोई बात नहीं, आप डी हाइड्रोजिनेशन लिखना चाह रहे हैं ना,
तो पहले सी होता है तब एच होता है, यानी कि पहले सीओ टू का रिमूवल होता है। तो आप यहाँ पे दिखा देंगे कि सीओ टू रिमूव कर गया, पहले सीओ टू रिमूव करता ही दिखा देंगे, अब तब होता है डिहाइड्रोजनेशन। और डिहाइड्रोजनेशन में क्या दिखाएंगे, एनएडी से एनएडीएच बनता है। और इतना सब कुछ जब हो जाता है, और पता है मैं बता दूंगा आपको कि डीकार्बोक्सिलेशन जो होता है वो सबसे पहले वाले स्टेप में होता है, और डिहाइड्रोजनेशन यानी कि ऑक्सीडेशन जो होता है वो सबसे लास्ट वाले स्टेप में होता है। बीच में तो स्टेप मैंने उड़ाया आपके लिए, और आपके लिए किसी काम का नहीं। तो पहले डीकार्बोक्सिलेशन होता है, तब जाके डिहाइड्रोजनेशन होता है, कुल मिला के ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, और फाइनली बन क्या जाता है। अब बताइए, अगर इस पर्टिकुलर एक पाइरूविक एसिड जिसमें तीन कार्बन था उससे एक CO2 निकाला गया, तो एसिटाइल कोएंजाइम में दो कार्बन बचेगा, दो कार्बन कंपाउंड बन जाता है जिसको बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम। एक ही CO2 निकाला गया है, इसीलिए ये लिंक रिएक्शन भी अभी कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, अभी भी इनकम्प्लीट है CO2। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो लिंक रिएक्शन से आता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में फर्स्ट टाइम CO2 का रिमूवल कहां हुआ, तो लिंक रिएक्शन में हुआ, इससे पहले ग्लाइकोलाइसिस में CO2 का रिमूवल नहीं हुआ था, याद कीजिए CO2 का रिमूवल नहीं हुआ, और ये चल रहा है। अच्छा, यहां से एक और कॉमन सवाल आएगा, आप याद दिलाएगा अभी नेक्स्ट स्लाइड पे, पहले वो एक सवाल लेंगे तब हम बढ़ेंगे आगे, एक सवाल लेंगे तब बढ़ेंगे आगे क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। हाँ, तो हमने क्या कहा कि ये CO2 सबसे पहले कहां रिमूव होता है, लिंक रिएक्शन में, कहां से, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से बाहर निकल जाएगा, फिर मेम्ब्रेन से निकल जाएगा सिंपल डिफ्यूजन से। तो ये सारे चीज होता है लिंक रिएक्शन में। आई थिंक इसमें नया केवल ये सारे पॉइंट है, अब वो भी सारा ज्यादा नया नहीं है, बाकी रिएक्शन तो आपको समझ में आ गया। और ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है कि कंजुगेटेड एंजाइम है, इसका कोफैक्टर 5 होता है, पूरी बायोलॉजिकल वर्ल्ड का सबसे बड़ा एंजाइम है ये, हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट वाला है, मॉलिक्यूलर वेट बड़ा है, ज्यादा है तो साइज भी बड़ा ही होगा, क्यों है कारण बताया मैंने, कपल और टू एंजाइम, एक 5 कोफैक्टर चाहिए होता है। और पहले क्या होता है, वो बाद में आता है, सी पहले आता है, डी पहले आता है, तो पहले डीकार्बोक्सिलेशन होता है, पहले CO2 रिमूव होता है, देखिए मैंने भी दिखाया, अब तब जाके होता है डीहाइड्रोजनेशन मतलब ऑक्सीडेशन, तो फाइनली बनता है एसिटाइल कोएंजाइम। बोलिए समझ में आया लिंक रिएक्शन क्या होता है, अरे बोलिए। यस यस सर। फाइनली लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट, यस सर, फाइनली लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। फाइनली जो लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा, एक बार लिंक रिएक्शन चलेगा अगर, तो प्रोडक्ट बनेगा एक एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, एक CO2 रिलीज हो जाएगा, उसको प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, CO2 रिलीज करवा दीजिए जल्दी, और एक NADH2, यही तीन चीज निकला है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। इस CO2 का क्या होगा, बाहर चला जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है। NADH2 का क्या होगा, ETS में चला जाएगा, एनर्जी देगा, कैसे देगा देखेंगे आगे। एसिटाइल को एंजाइम का फीचर क्या है, ये क्रेब्स साइकिल में जाएगा, वही मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल में चलेगा, ये क्रेब्स साइकिल में जाएगा। तो एक बात बताइए, क्या क्रेब्स साइकिल एक ही ग्लाइकोलाइसिस एक बार चला था तो क्या एक ही पाइरूविक एसिड बना था, दो बार पाइरूविक एसिड बना था, तो बताइए दो अलग अलग मॉलिक्यूल, दो अलग अलग बार पाइरूवेट डीआरएनए कॉम्प्लेक्स, दो अलग अलग मॉलिक्यूल, दो अलग अलग बार लिंक रिएक्शन को चलाएंगे कि नहीं, दो बार, तो दो को एनएडीएच2 होगा कि नहीं होगा, दो को CO2 निकला होगा कि नहीं निकला होगा, दो को एनएडीएच2 बनेगा कि नहीं बनेगा, दो को एसिटाइल कोएंजाइम में बना कर बनाया होगा, ये भाई सब लिंक रिएक्शन। अब इसको लिंक रिएक्शन को लिंक रिएक्शन क्यों बोला, वो अभी हम आपको बताएंगे, वो भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे, पहले हम आपको यही बताते हैं कि इसमें इसका क्या होगा, तो चला जाएगा क्रेब्स साइकिल में। इस सवाल को मुट्ठी में पकड़ के रखिएगा, बताना भूल ना जाए, याद रखिएगा, एक सवाल हम आपसे करेंगे जी, एक सवाल करेंगे फिर उसका जवाब भी देंगे, तब जाएंगे क्रेब्स साइकिल पे, ये सवाल क्रेब्स साइकिल के पहले पूछना है मुझे, तब हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। हाँ, अब बड़ा मुद्दा क्या है, इस लिंक रिएक्शन को लिंक रिएक्शन क्यों बोला, तो इस लिंक रिएक्शन को लिंक रिएक्शन कहने का दो कारण है, तो आइए उसको डिस्कस करते हैं हम, पहले दो कारण है क्या, एक बात बताइए, अगर आपके पास कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलाइसिस होगा, ग्लूकोज मिला, ग्लूकोज मिला हाइड्रोलाइसिस से, ये ग्लूकोज जाएगा ग्लाइकोलाइसिस में, फाइनली मिलेगा क्या, पाइरूविक एसिड मिलेगा। अगर आपके पास फैट है तो ये टूटेगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, तो फैटी एसिड मिलेगा और ग्लिसरॉल मिलेगा, फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से, बीटा ऑक्सीडेशन से एसिटाइल कोएंजाइम ए मिल जाएगा, और ग्लिसरॉल के ऑक्सीडेशन से
आपको पागल या धाप मिल जाएगा, दोनों आपस में ऐसे उम्र होते हैं। बड़ा सुनिए, अगर आपने प्रोटीन खाया तो डिफरेंट टाइप के कई सारे अमीनो एसिड मिलेंगे, कई सारे अमीनो एसिड मिलेंगे, उसमें से ग्लूटामिक एसिड भी होगा, ये सच बात। लेकिन उसमें से कई सारे अलग अलग अमीनो एसिड में अगर हम बात करेंगे, एलेनिन भी होगा उसमें, सिस्टीन, ग्लाइसिन, सेरीन, ये सब भी होंगे। इनसे क्या मिल जाता है आपको, इनसे मिल जाता है पाइरुविक एसिड, जिससे क्या मिल जाता है पीजीए, और इनसे क्या मिल जाता है आपको अल्फा क्रिप्टो ग्लूटामेट। मैं लिंकिंग का कारण बता रहा हूँ, लिंकिंग का कारण क्या है, अब सुनिएगा। अभी अभी ये सब चीज आप बोल रहे जो मैंने लिखा, अब अभी आप बस स्टेट फॉरवर्ड क्या सोचिए, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, ग्लूकोज चला ग्लाइकोलाइसिस, पाइरुविक एसिड बना, पाइरुविक एसिड जाएगा किसमें, लिंक रिएक्शन में, तो उससे क्या मिलेगा, असिटाइल कोएंजाइम। जो ध्यान से सुनेगा उसी को समझ में आएगा, असिटाइल कोएंजाइम, असिटाइल कोएंजाइम किसमें जाएगा, क्रेब्स साइकिल में जाएगा, ठीक है, ये क्रेब्स साइकिल में जाएगा, ठीक है। तो पहला कारण कि लिंकिंग, लिंक रिएक्शन को लिंक रिएक्शन क्यों बोला, पहला कारण ये है कि लिंक रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को लिंक करता है, मतलब कनेक्ट करता है, पहला कारण ये रहा। जो मैंने बोला दो कारण है तो एक कारण हो गया, तो पहला कारण क्या है कि लिंक रिएक्शन कनेक्ट्स द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे एंड पाथवे ऑफ क्रेब्स साइकिल, ओके। जो दूसरा कारण है ये जोरदार कारण है, बताता हूँ, एक बात बताते हैं, फैट टूटे कि कार्बोहाइड्रेट टूटे कि प्रोटीन टूटे, मैं सुना क्या बोला, जो ध्यान से सुनेगा वही समझ में आएगा, उसी समझ में आएगा, फैट टूटे चाहे कार्बोहाइड्रेट टूटे चाहे प्रोटीन टूटे, एसिटाइल कोएंजाइम सभी को बनना है। मैंने जो लाइन बोला ना, ये लाइन को पहले मैं सही साबित करता हूँ, और फिर मुझे पता है आपके मन में जो कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है उस कॉन्ट्राडिक्शन को भी हम लाएंगे सामने, लाना जरूरी है। पहले मैंने क्या बोला, फैट टूटे कार्बोहाइड्रेट टूटे प्रोटीन टूटे एसिटाइल कोएंजाइम सभी को बनना है, बताता हूँ कैसे। फैट टूटा, फैटी एसिड, फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन एसिटाइल कोएंजाइम एज अ सबस्टिट क्रेब्स साइकिल में मारा। प्रोटीन टूटा, एलानिन अगर बना या सिस्टीन ग्लाइसिन सेरीन बना, ये एंटर मारेगा ग्लाइकोलाइसिस में एज इंटरमीडिएट, पाइरुविक एसिड बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा। प्रोटीन से भी समझ में आ गया, कार्बोहाइड्रेट बन ही रहा है, ग्लूकोज, ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड, पाइरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम। तो मैंने क्या कहा था, फैट टूटे कार्बोहाइड्रेट टूटे प्रोटीन टूटे एसिटाइल कोएंजाइम में सभी को बनना है, ये बोला मैंने। दूसरा मैंने क्या बोला आप गौर कीजिए, ये तो मतलब सुनेगा इस कदर, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम ए फैट टूटे प्रोटीन टूटे कार्बोहाइड्रेट टूटे एसिटाइल कोएंजाइम में सभी को कन्वर्ट होना है, इसीलिए एसिटाइल कोएंजाइम को बोलते हैं लिंकिंग मॉलिक्यूल। ये लिंकिंग मॉलिक्यूल इसलिए नहीं कि लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट है, ये लिंकिंग मॉलिक्यूल इसीलिए है क्योंकि ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट सभी के टूटने पर ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये आगे के पाथवे में घुसता है, और ये वो प्रोडक्ट है जो सभी के पाथवे को फाइनली कनेक्ट करता है, क्योंकि इसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम में सभी को इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं। अब इस बात में कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करेगा, बताते हैं कौन, ये क्रिएट करेगा और ये क्रिएट करेगा, और ऐसे कई सारे और होंगे, ऐसे कई सारे और होंगे। आप बोलेंगे सर आप कह रहे हैं कि एसिटाइल कोएंजाइम इज लिंकिंग मॉलिक्यूल, क्योंकि फैट टूटे प्रोटीन टूटे कार्बोहाइड्रेट टूटे सभी को कन्वर्ट होना है किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम में, तो ये तो फिर भी कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट नहीं करेगा कौन, ये, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करेगा। अच्छा ये क्यों नहीं करेगा, सॉरी ये नहीं करेगा, ये वाला नहीं करेगा कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट, ठीक है, ये क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये एज अ पागल घुसेगा ग्लाइकोलाइसिस में और वो एसिटाइल कोएंजाइम में उसको भी बनना है, ठीक है। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर देगा कौन, अल्फा क्रिप्टो ग्लूटामेट जो बना है ग्लूटामिक एसिड, ये तो डायरेक्ट क्रेब्स साइकिल में घुस जाता है ना, तो कोई बात नहीं यार, मैं ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ कि एसिटाइल कोएंजाइम इज लिंकिंग मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड ग्लिसरॉल ग्लूकोज अमीनो एसिड, ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ मैं तो कह रहा हूँ कि एसिटाइल कोएंजाइम इज द लिंकिंग मॉलिक्यूल ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फैट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, तो फैट के टूटने से फैट एसिड ग्लिसरॉल, इसके इससे इसमें तो अमीनो एसिड सिर्फ यही थोड़ी है, ये भी तो है, ये भी तो है, इसीलिए एसिटाइल कोएंजाइम इज लिंकिंग मॉलिक्यूल ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फैट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन। अब मुझे डिस्कस करना था कि लिंक रिएक्शन को दूसरा क्या कारण है कि इसको लिंक रिएक्शन कहते हैं। आप गौर कीजिए, फैट टूटे कार्बोहाइड्रेट टूटे कि प्रोटीन टूटे, लिंक रिएक्शन सब चलाएगा, इसलिए लिंकिंग मॉलिक्यूल लिंकिंग रिएक्शन कहते हैं उसको। फैट टूटे कार्बोहाइड्रेट टूटे कि प्रोटीन टूटे, लिंक रिएक्शन सब कोई चलाएगा, कैसे आइए डिस्कस करते हैं आपके सामने। कौन सा स्लाइड कलर ले जाए, कौन सा कलर लिया जाए, भाई ये कलर ठीक है, चलो हाँ
मैं कह रहा हूँ लिंग रिएक्शन सभी को ही चलाएगा। ये तो बोलेंगे सर इस बात में ये कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करेगा, सही बात है, ये तो डायरेक्टली क्रिया साइकिल में घुसेगा, कोई बात नहीं है। फैट के टूटने से केवल यही थोड़ी मिला है, ये भी तो मिला है, ये तो जा रहा है ना, ये तो जा रहा है ना क्रिया साइकिल चला, चलिए लिंग रिएक्शन चलाने के लिए। चलिए कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तब तो लिंग रिएक्शन चलना ही है एसिटाइल को एंजाइम में जाने के लिए। फिर आप बोलेंगे सर ये कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर रहा है, कोई बात नहीं है, सिर्फ यही थोड़ी बना है, ये भी तो बना है, ये भी तो बना है, और ये तो एंटर करेगा ना लिंक रिएक्शन में। सो दैट दूसरा कारण कि लिंक रिएक्शन इज लिंक रिएक्शन, क्योंकि ये फैट कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तीनों के ब्रेकडाउन पाथवे को लिंक करता है, ये वाला पाथवे जो है तीनों के ब्रेकडाउन को लिंक करता है। हाँ यह बात 100% ट्रू नहीं हो पाएगा क्योंकि फिर ये और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करेगा, तो इसलिए कहते हैं लिंक रिएक्शन को, और इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को कनेक्ट कर रहा है। और मेन कारण पूछे तो आप यही बताएंगे, मेनली यही कारण है कि फैट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तीनों को लिंक करता है ब्रेकडाउन के लिए, और इस कदर एसिटाइल को एंजाइम में लिंकिंग मॉलिक्यूल बन जाता है। ये पीएमडी का बहुत सवाल है कि कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन का लिंकिंग मॉलिक्यूल कौन है ब्रेकडाउन के लिए, तो एसिटाइल को एंजाइम में का है, मैंने आपको आपके सामने कारण बता दिया। और इन सारी बातों का थ्योरी में लिखे एक्सप्लेनेशन देने से कोई फायदा नहीं, आप समझ चुके हैं तो आप सारी एरो का मतलब समझ चुके होंगे। बोलिए किसी को डाउट हो तो बोलो, अभी पूछ लो जल्दी से, आपको कोई डाउट है? प्रतीक? नो सर। ये इरहान? ये इरहान पिटाएगा आंसर, ये माइक ऑफ करके बोलता है उधर से। इरहान फर्स्ट डाउट है? नो सर। ईरान है कि नहीं अभी क्लास में है? ईरान क्लास में है अभी? हाँ ईरान भैया है क्लास में। ईरान क्लास में तो ये बोल क्यों नहीं रहा है? इसका वाईफाई कनेक्शन वीक है, ये वीक ही रह जाएगा। चलो हमारे पास इस मीटिंग के लिए 6 मिनट है, नया मीटिंग क्रिएट करते हैं। आप क्या कीजिए, नोट्स में लिंक रिएक्शन के लास्ट तक पढ़ लीजिए, और जब तक हम नया मीटिंग क्रिएट करेंगे आप इतना पढ़िए, फिर हम नया मीटिंग में एक सवाल से स्टार्ट होंगे और फिर क्रेब्स साइकिल करेंगे। चलिए आप इस मीटिंग को खत्म करते हैं।